देखिए मैं मामला कोई बनता हूँ, ये वहाँ पर जो है लोकल लोगों का भी कहता है कि वहाँ पर हमेशा जब भी ट्रेन आती थी तो फाटक पर रुका करती थी, फिर उसके बाद चलती। ये फाटक पर सिग्नल किसने दिया, ये ट्रेन कैसे सीधी चली आई और क्यों बिना उसके जो वहाँ पर बिना प्रोटेक्शन के जब वहाँ पर वो रामलीला चल रही थी तो वहाँ पर इतना जो था क्यों नहीं रेलवे ने, क्योंकि रेलवे की एरिया के अंदर जो है लोकल पुलिस नहीं कर सकती, तो उसके क्या प्रबंध रेलवे ने किए थे। ये रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये रेल डिपार्टमेंट की असफलता है। और अब भाजपा कुछ भी कहते रहे, भाजपा तो कहती आ रही है अभी तक, भाजपा ने तो कर्जा भी माफ कर दिया, भाजपा ने तो देश के नौजवानों को रोजगार भी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि कांग्रेस पर सवाल उठाते कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, 60 साल के अंदर कांग्रेस ने जो किया वो तो बाद में नजर आएगा। प्रधानमंत्री महोदय 2014 में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये कांग्रेस के अंदर एक उम्मीद और एक आस जगी कांग्रेस की सरकारों ने लगाई। लेकिन 4.5 साल की आपकी सरकार ने बीए एमए पीएचडी इंजीनियरिंग किए हुए लोग, एमबीए किए हुए लोग को आप सलाह दे रहे हैं कि वो रोजगार की जगह पकौड़े बेचें, तो चाय वाला तो जो है वो तो प्रधानमंत्री बनता है कांग्रेस की सरकार में, और आपकी सरकार में पकौड़े बेचने का काम करता है वो नौजवान जो पढ़ा लिखा है। ये है